लगातार जुड़े रहने के लिए डाउन अलविदा सुषमा स्वराज। लगातार कवरेज में अब आपको दिखाते हैं कैसे सुषमा स्वराज ने जिंदगी में हर किरदार को पूरी शिद्दत से निभाया, चुनौतियों की परवाह नहीं की। जन्म अंबाला के एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ, लेकिन लाड़ प्यार संस्कार आजादी मिली कि सुषमा जी पूरी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रही। अपने भाई के साथ साइकिल की सवारी कर रही इस नन्ही सी बच्ची को तब कहां पता था कि उसका भविष्य ऐसा होने वाला है। उसे दुनिया के बड़े बड़े मंच पर 1 अरब 30 करोड़ लोगों का बुलंद गणतंत्र हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। मैं सुषमा स्वराज ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला में हुआ था। उनके पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे। माँ पिता हरियाणा के पलवल में रहते थे, जहाँ उस समय लड़कियों को पालना आसान काम नहीं था, लिहाजा माँ ने सुषमा को अपने मामा के यहाँ भेज दिया। मेरा बचपन सामान्य महिलाओं से बहुत अलग गुजरा। अच्छा। इस माने में कि आमतौर पर बच्चे अपने माँ बाप के पास पलते हैं और एक अलग माहौल होता है माँ बाप के साथ पलने का, लेकिन मैं अपने माँ बाप के पास नहीं पली। अच्छा। मैं अपने माँ के मामा के गोद चली गई थी। अच्छा। नाना के। अच्छा। नाना भी माँ के पिता नहीं, माँ के मामा। एक चीज कहना चाहूंगी कि शायद अपने माता पिता के पास मुझे वो आज़ादी ना मिलती, क्योंकि पलवल में रहते थे वो, और पलवल काफी कंजर्वेटिव सा कस्बा माना जाता है, लड़कियों को तो बिल्कुल ही आजादी नहीं मिलती। नाना नानी के पास सुषमा स्वराज को पढ़ाई से लेकर खेलने कूदने और घर से बाहर जाने की पूरी आजादी मिली, और यही वजह रही कि सुषमा बचपन से ही तेज तर्रार हो गई। लेकिन ये जो नाना थे मेरे, जिन्हें मैं बाकी पूरी उम्र में पिता कहूंगी और नानी को माँ कहूंगी, क्योंकि उन्हीं के पास पली, वो बहुत ही प्रगतिशील विचारों के थे। जो मुझे स्वतंत्रता थी कहीं जाने की आने की, एनसीसी के कैंप्स अटेंड करती थी मैं, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में जाती थी, बाहर डिबेट्स में जाती थी, बाहर कभी रोका ही नहीं गया मुझे। और वो स्वयं जो नाना मेरे थे, बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडियाज के थे, और वो शायद सारी आज़ादी लिखी थी मेरे नियति में जो इस तरह से हुआ, तो इस ढंग से तो बचपन बहुत अलग से बीता। सुषमा का बचपन हरियाणा की आम लड़कियों से बिल्कुल अलग बीता। उन्हें एनसीसी अटेंड करने से लेकर लड़कों के साथ समय बिताने तक की आज़ादी मिली। नाना नानी के पास पली, गोद जाके पली, और भाई के साथ पली, इसलिए सारी जो गेम्स थी वो खेली। ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, उनके निजी जिंदगी की बातें उनके एक पुराने इंटरव्यू के जरिए आपको बता रहे थे। प्रधानमंत्री का काफिला अब पहुंचा है सुषमा स्वराज के अंतिम दर्शन के लिए। उनके घर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भावुक लम्हा एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी जिसका आखिरी संबोधन उन्होंने किया अपने आखिरी ट्वीट के जरिए, प्रधानमंत्री को धन्यवाद लिखा। इस दिन का मैं प्रतीक्षा कर रही थी, ये थे सुषमा के उस आखिरी ट्वीट के बोल। इस दिन का जब धारा 370 कश्मीर से हट जाए। नियति देखिए, उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। हमारे साथ अशोक सिंघल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अशोक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए। जी जल्दी प्रधानमंत्री, बिल्कुल अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अंतिम दर्शन करने के लिए सुषमा स्वराज।